इसराइली फौज के गजा पर हमलों को 105 दिन हुए पूरे। 24,000 फिलिस्तीनी जाबहक। इसराइली इंतहा पसंद वजीर एतमार बिन गोयर का एक और शरंगेज बयान, कहा गजा पट्टी पर मुकम्मल कब्जा कर ले इसराइल। इसराइली सदर इसहाक हरजोग ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली की जाहिर की उम्मीद। सऊदी सफीर शहजादी रीमा बिंत बंदर ने कहा कि गजा जंगबंदी से पहले इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते। पाक ईरान कशीदगी पर अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा ईरान खत्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, पाक ईरान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मुजरिमों को दिया बड़ा झटका, सरेंडर करने के लिए जायद वक्त देने से किया इनकार, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर। बाईस जनवरी को राम मंदिर इफ्तिताह के मौके पर हाफ डे छुट्टी देने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा मोदी सरकार इस फैसले से मेजॉरिटी तबके का कर रही है पोलराइजेशन। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची आसाम। हेमंत बिस्वा सरमा को राहुल गांधी ने बताया हिंदुस्तान का सबसे करप्ट सीएम।